नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 में आपको एक टॉपिक दिया गया है, भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज्म इन मेडाइवल राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में आपके जो सिलेबस में है वो तीन टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं, एक तो मीराबाई, दूसरे दादू दयाल और तीसरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो मीराबाई, दादू दयाल और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन तीनों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं मीराबाई। ठीक है, मीराबाई का जन्म कब हुआ, वो हुआ 1498 ईस्वी में। मीराबाई का जन्म हुआ 1498 ईस्वी में और कहाँ पे हुआ था, कुड़की ग्राम पाली में। तो मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की पाली में हुआ था। ठीक है, तो एक बार आपके राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मीराबाई कौन सी सदी की कवित्री है, तो वो है 16वीं सदी की। ठीक है, क्योंकि उनकी उन्होंने रचनाएं वगैरह कब लिखी थी, वो है 1500 कुछ में लिखी थी। ठीक है, तो 1500 समथिंग क्या हो गया, 16वीं सदी। ठीक, तो मीराबाई के पिता का नाम क्या था, रतन सिंह राठौर था, तथा मीराबाई के दादा का नाम क्या था, राव दूदा। ठीक है, जो राव दूदा थे वो कहाँ के शासक थे, मेड़ता के शासक थे। तो मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौर तथा दादा का नाम राव दूदा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मीराबाई का विवाह कब किससे हुआ, तो मीराबाई का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ। ठीक है, तो मीराबाई का विवाह हुआ राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से। आगे हम देखते हैं कि मीराबाई के विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही भोजराज की मृत्यु हो गई, तब से ही मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो ये सब, तो ये विक्रमादित्य था, वो उनका देवर था। ठीक है, उसे ये सब पसंद नहीं था, तो वो उसने क्या किया, मीराबाई को जहर देकर मरवाने का प्रयास किया। तो इन सब बातों से परेशान होकर मीराबाई कहाँ चले गए, मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए, वृंदावन चले गए, और बाद में कहाँ चले गए, द्वारका चले गए। तो मीराबाई का अंतिम समय कहाँ बीता, वो बीता द्वारका में। मीराबाई का अंतिम समय बीता द्वारिका में। नेक्स्ट है कि दासी मत का संबंध किससे है, तो वह है मीराबाई से। ठीक है, तो दासी मत का संबंध है मीराबाई से। मीराबाई के जो पद है वो क्या कहलाते हैं, हरजस। तो हरजस क्या है, वह है मीराबाई के जो पद है, मीराबाई द्वारा लिखे गए पद है, वो क्या कहलाते हैं, हरजस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, वो है उन्होंने, मीराबाई ने गीत गोविंद पर टीका लिखा, राग गोविंद, पदावली, नरसी जीरो मायरो, सत्यभामा जीनू रूसन, ये सब किसने लिखे, मीराबाई ने। ठीक है, तो गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, पदावली, नरसी जीरो मायरो तथा सत्यभामा जीनू रूसन। तो इसमें से ये पदावली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नरसी जीरो मायरो तथा सत्यभामा जीनू रूसन, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक तो पदावली, नरसी जीरो मायरो, तीसरा है सत्यभामा जीनू रूसन। ठीक है, तो ये तीनों किसने लिखा, ये लिखे मीराबाई ने। एक तो क्या है, पदावली किसकी रचना है, मीराबाई की, नरसी जीरो मायरो ये भी किसकी रचना है, मीराबाई की, सत्यभामा जीनू रूसन ये भी किसकी रचना है, मीराबाई की। नेक्स्ट है, मीराबाई की मृत्यु कब हुई, 1547 में हुई, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में हुई। तो उनका अंतिम समय ये पूछा जाता है कहाँ बीता था, द्वारिका में। तो मीराबाई का अंतिम समय बीता था द्वारिका में। मीराबाई के बाद अपन के जो सिलेबस में है वो है दादू दयाल। ठीक है, कौन है, दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 में अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में। दादू दयाल को क्या भी कहा जाता है, राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ठीक है, दादू दयाल ने दीक्षा किससे प्राप्त की थी, वो बुड्यन या वृद्धानंद नामक एक संत है उनसे दीक्षा प्राप्त की थी। तो दादू दयाल ने दीक्षा किससे प्राप्त की थी, बुड्यन या वृद्धानंद से। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1568 में दादू दयाल कहाँ गए, सांबर आ गए, और वहाँ पर आकर उन्होंने धुनिया डालने का काम प्रारंभ किया। ठीक है, तो 1568 में दादू दयाल कहाँ गए, सांबर आ गए और उन्होंने धुनिया का कार्य चालू किया। ठीक है, नेक्स्ट है, बाद में फिर वो कहाँ चले गए थे, आमेर चले गए थे। आमेर वो कितने 14 वर्षों तक गए। ठीक है, तो दादू दयाल पहले सांबर आए, उन्होंने वहाँ धुनिया का कार्य चालू किया। ठीक है, फिर बाद में वो चले गए आमेर और वहाँ पर 14 वर्षों तक रहे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि, है ना, ऐसे कौन से संत हैं जो कि अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी की यात्रा की, ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी, वो थे दादू दयाल। दादू दयाल ने अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी की यात्रा की। नेक्स्ट है कि दादू दयाल का अंतिम समय कहाँ बीता, वो है नारायणा जयपुर में। ठीक है, नारायणा जो कि दादू पंथ की प्रमुख पीठ है, वो कहाँ पे स्थित है, जयपुर में, वहाँ दादू दयाल का अंतिम समय बीता। नेक्स्ट है कि दादू पंथ की प्रमुख गद्दी कहाँ पे स्थित है, वो है नारायणा जयपुर में। दादू पंथ की बहुत सारी गद्दियाँ हैं। ठीक है, तो उसकी जो प्रमुख गद्दी है ना, वो कहाँ पे स्थित है, वो है नारायणा जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि
दादू दयाल के कुल कितने शिष्य थे? वो थे 152, 152। दादू दयाल के कुल शिष्यों की संख्या कितनी थी? 152। ठीक है, उसमें से जो 52 शिष्य थे ना, वो क्या थे? बौद्ध प्रमुख थे। ठीक है, तो उन 52 शिष्यों को ही क्या कहा जाता था? 52 स्तंभ कहा जाता था, दादू पंथ के 52 स्तंभ। ठीक है, तो दादू पंथ के 52 स्तंभ क्या है? तो वह है दादू दयाल के 52 शिष्य। ठीक है, दादू दयाल के जो 52 शिष्य है वही दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाते हैं। ठीक है, तो लेकिन दादू दयाल के कुल शिष्यों की संख्या तो 152 थी, उसमें से जो प्रमुख शिष्य थे वो थे 52, वही क्या कहलाते हैं? दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाते हैं। ठीक है, अब आपसे ऐसे पूछा जाता है कि ये किनके शिष्य है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दादू दयाल के जो प्रमुख शिष्य थे उनके नाम देख लेते हैं। गरीबदास, मिस्कनदास, सुंदरदास बखना जी, रज्जब माधोदास। ठीक है, तो ये सब किसके शिष्य थे? ये थे दादू दयाल के। गरीबदास, मिस्कनदास, सुंदरदास बखना जी, रज्जब माधोदास, ये सब किसके शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य थे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दादू दयाल के ऐसे कौन से शिष्य थे जो कि जीवन भर दूल्हे के वेश में ही रहे थे। ठीक है, वो पूरे जीवन है ना दूल्हे के कपड़े पहन कर ही उन्होंने उपदेश दिए, तो वो कौन से शिष्य थे? वो थे रज्जब जी। ठीक है, दादू दयाल के एक शिष्य थे रज्जब जी। ठीक है, वो पूरे जीवन दूल्हे के कपड़ों में ही रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि काया बेली, संत गुण सागर, नाममाला, परिचय का अंत, ये सब है ना किसकी रचना? ये है दादू दयाल की। ठीक है, एक तो देख लेते हैं, काया बेली, संत सागर, नाममाला, परिचय का अंग, किसकी रचना है? दादू दयाल की। कौन कौन सी है देखते हैं एक बार, काया बेली, दूसरा है संत गुण सागर, तीसरा है नाममाला और चौथा परिचय का अंग, ये किसकी रचना है? दादू दयाल की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दादू दयाल के जो उपदेश होते हैं ना वो किस भाषा में है? वो है ढूंढाड़ी भाषा में। ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है? जयपुर के आसपास में बोली जाती है। ठीक है, अगर ढूंढाड़ी ऑप्शन में नहीं हो, अगर आपकी सद्दू कड़ी दिया हुआ हो तो वो भी सही करना है। ठीक है, तो दादू दयाल के जो उपदेश है वो कौन सी ढूंढाड़ी भाषा में या सद्दू कड़ी भाषा में दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि दादू पंथ की कितनी उपशाखाएं हैं। तो दादू पंथ की शाखाएं कितनी है? वो है 5 शाखाएं। ठीक है, तो 5 शाखाएं कौन कौन सी है? पहली है खालसा, दूसरी नागा, तीसरी उत्तरादे, चौथी विरक्त और पांचवी खाकी। कौन कौन सी है? खालसा, पहली तो की खालसा, दूसरी नागा, तीसरी उत्तरादे, चौथी विरक्त, पांचवी खाकी। ठीक है, तो दादू दयाल की 5 शाखाएं है, खालसा, नागा, उत्तरादे, विरक्त और खाकी, ये 5 शाखाएं। ठीक है, तो खालसा शाखा के जो प्रमुख थे वो कौन थे? गरीबदास। ठीक है, तो खालसा शाखा के जो प्रमुख संत है वो है गरीबदास जी। नागा शाखा के जो प्रमुख संत या प्रवर्तक है वो है सुंदरदास। ठीक है, खालसा के तो है गरीबदास, नागा शाखा के है वो है सुंदरदास। ठीक है, उत्तरादे शाखा के है बनवारी जी। खालसा शाखा के तो कौन हो गए? गरीबदास जी। नागा शाखा के हो गए सुंदरदास जी। उत्तरादे शाखा के हो गए बनवारी जी। ठीक है, और विरक्त शाखा है उसमें क्या है? घुमक्कड़ दादूपंथी आते हैं। विरक्त शाखा में घुमक्कड़ दादूपंथी आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम खाकी शाखा। दादूपंथ की एक शाखा है खाकी शाखा। ठीक है, खाकी शाखा के जो संत होते हैं ना वो क्या कहते हैं? शरीर पर भस्म लगाते हैं और जटा रखते हैं। ठीक है, तो दादू पंथ की 5 शाखाएं है। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं हम, दादू पंथ की कितनी शाखाएं है? वह है 5 शाखाएं है। ठीक है, वो कौन कौन सी है? तो वह पहली है खालसा, दूसरी नागा, तीसरी उत्तरादे, चौथी विरक्त, पांचवी खाकी। ठीक है, खालसा शाखा के प्रमुख है वह है गरीबदास जी, नागा शाखा के सुंदरदास जी, उत्तरादे शाखा के बनवारी जी, विरक्त शाखा के घुमक्कड़ दादूपंथी आते हैं, खाकी शाखा में शरीर पर भस्म लगाने वाले तथा जटा को धारण करने वाले दादूपंथी आते हैं। ठीक है, ये सभी क्या हो गए? दादूपंथ की शाखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दादूपंथ की कौन सी शाखा है जिसका कि मुख्य केंद्र नारायणा जयपुर में है। ठीक है, तो नारायणा जयपुर है जो दादूपंथ की प्रमुख पीठ है, वहां पे कौन सी शाखा के लोग है, वहां पे कौन सी शाखा है मैन? वह है खालसा शाखा। ठीक है, तो नारायणा जयपुर में कौन सी शाखा है दादूपंथ की? वह है खालसा शाखा। तो नारायणा जयपुर किस शाखा का प्रमुख केंद्र है? वह है खालसा शाखा का। ठीक है, अब हम देखते हैं ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अंटक, इन सभी की रचनाएं किसने की थी? वो सुंदरदास ने की थी। ठीक है, सुंदरदास ने की थी। तो ये सुंदरदास किसके शिष्य थे? वो थे दादू दयाल के। तो ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अंटक, इन सभी की रचना करने वाले सुंदरदास जी किसके शिष्य थे? वो थे दादू दयाल जी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आरिलो, आरिलो की रचना करने वाले बालिंद दास जी, ये भी किसके शिष्य थे? ये भी दादू दयाल जी के शिष्य थे। आरिलो की रचना करने वाले जो बालिंद दास जी थे वो भी किसके शिष्य थे? दादू दयाल जी के शिष्य थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दादू पंथ का जो सत्संग स्थल होता है वो क्या कहलाता है? अलख दरीबा। तो अलख दरीबा क्या है? दादू पंथ का सत्संग स्थल। ठीक है,
तो अलकदरीबा क्या है? दादू पंत का सत्संग स्थल है, वो क्या कहलाता है? अलकदरीबा। नेक्स्ट हम देखते हैं किस संप्रदाय के लोग मिलने पर है ना सत्य राम कहकर अभिवादन करते हैं। तो सत्य राम कहकर अभिवादन किस पंथ के लोग करते हैं? वह है दादू पंथ। ठीक है, दादू पंथ के लोग है ना मिलने पर सत्य राम कहकर अभिवादन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आमेर के शासक मान सिंह कछवा तथा अकबर, इन दोनों के समकालीन कौन थे? वो थे दादू दयाल। ठीक है, तो मान सिंह कछवाहा या अकबर, इनके समकालीन कौन से संत थे? वो थे दादू दयाल। नेक्स्ट हम देखते हैं दादूवाणी दादूरा दोहा, इसमें क्या है? दादू के उपदेश संग्रहित है। ठीक है, तो दादूवाणी दादूरा दोहा इन सभी जो ग्रंथ है इनमें क्या है? दादू के उपदेश संग्रहित है। दादूवाणी दादू का दोहा में दादू के उपदेश संग्रहित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दादू दयाल ने कर्म कांड मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, कर्म कांड मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध किया था दादू दयाल ने। नेक्स्ट है हम देखते हैं दादू दयाल की मृत्यु कब हुई? 1603 ईस्वी में हुई, नारायणा जयपुर में हुई। ठीक है, दादू दयाल की मृत्यु हुई 1603 ईस्वी में, नारायणा जयपुर में हुई। नेक्स्ट देखते हैं कि दादू दयाल का जो पार्थिव शरीर है ना वो नारायणा में भेराणा की पहाड़ी करके एक स्थान है। ठीक है, भेराणा की पहाड़ी, उसके नीचे दादू खोल नामक एक स्थान है, वहां पर रखा गया है। तो दादू का पार्थिव शरीर नारायणा जयपुर में भेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रखा गया है। तो दादू खोल स्थान क्या है? वहां पे क्या है? दादू दयाल का पार्थिव शरीर रखा गया है। ठीक है, दादू खोल क्या है? एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कि दादू दयाल का पार्थिव शरीर रखा गया है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? भेराणा की पहाड़ी नारायणा में स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं दादू के निधन के पश्चात दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन बनते? वो बने थे गरीबदास जी। दादू दयाल का जब निधन हुआ था तो दादू पंथ के उत्तराधिकारी बने थे गरीबदास जी। ठीक है, तो अपने देख लिया मीराबाई के बारे में देख लिया और दादू दयाल के बारे में देख लिया। ठीक है, और तीसरे जो अपने जो सिलेबस में है असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो अब इनको देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कब भारत आए? वो आए थे 1192 में भारत आए थे। ठीक है, 1192 ईस्वी में जो मोहम्मद गोरी आया था तो उसके साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आ गए थे। ठीक है, तो 1192 में आए थे भारत। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था ईरान में हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? ईरान में। और वो भारत आने से पहले कहाँ रहते थे? ईरान में। और वो भारत कब आए थे? 1192 ईस्वी में। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था ईरान में हुआ था, और वो ईरान में रहते थे, और भारत आने से पहले ईरान में रहते थे, और वो भारत आए थे 1192 ईस्वी में। ठीक है, जब वो भारत आए तो उस समय भारत पर किसका शासन था? वो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे तो उस समय भारत पर राज्य था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, दिल्ली पर शासन था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ख्वाजा साहब या गरीब नवाज किसे कहते हैं? वो कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा साहब या गरीब नवाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए, फिर वो अनेक स्थानों पर घूमे। ठीक है, उसके बाद वो परमानेंट कहाँ पे बस गए? अजमेर में बस गए। और अजमेर में उनकी जो दरगाह है उसे क्या कहा जाता है? अजमेर शरीफ कहा जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह क्या कहलाती है? अजमेर शरीफ। नेक्स्ट हम देखते हैं ख्वाजा साहब का उर्स। ख्वाजा साहब का उर्स कब लगता है? इस्लामिक जो कैलेंडर है उसमें एक माह आता है रजब। कौन सा माह आता है? रजब। रजब माह की पहली से छठी तारीख को ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। ठीक है, तो ख्वाजा साहब का उर्स कब लगता है? रजब माह की पहली से छठी तारीख तक ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किन राजपूत शासकों ने दरगाह शरीफ के लिए गांव बैठिए थे? ठीक है, वो ऐसे कौन से राजपूत शासक थे जिन्होंने कि दरगाह शरीफ के लिए गांव बैठिए थे? वो है मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय तथा एक अजीत सिंह। ठीक है, तो पहले तो कौन थे? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे, और दूसरे कौन थे? अजीत सिंह थे। ठीक है, तो इन दोनों ने किसके लिए दरगाह शरीफ के लिए गांव भेंट किए थे? ठीक है, एक तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय और दूसरे थे अजीत सिंह। इन दोनों ने दरगाह शरीफ के लिए गांव भेंट किए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो गुरु थे वो कौन थे? वो थे हजरत शेख उस्मान हारूनी। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे हजरत शेख उस्मान हारूनी। ठीक है, हजरत शेख उस्मान हारूनी किसके गुरु थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन से सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो वो थे चिश्ती सिलसिले से। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन से सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती सिलसिले से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ऐसे शिष्य जिन्होंने
नागौर के सुआल क्षेत्र को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के एक शिष्य थे जिन्होंने कि नागौर के जो सुआल क्षेत्र है उस पर अपना केंद्र बनाया और वहां पे लोगों को उपदेश दिए, दीक्षाएं दी। ठीक है, तो वो शिष्य थे, उनका नाम था शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी जिन्होंने कि नागौर के सुवाल क्षेत्र में अपना प्रमुख केंद्र बनाया, वो किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, और वो चिश्ती सिलसिले से ही संबंधित थे। उर्स उर्स का अर्थ क्या होता है? लंबे वियोग के बाद मिलन से मिलने वाली खुशी क्या कहलाती है? उर्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हम सूफी। सूफी का मतलब क्या होता है? सूफी सब सबसे बना है। ठीक है, तो सूफी का मतलब होता है ऊनी सफेद कपड़ा पहनने वाले। ठीक है, तो सूफी किससे बना है? सब सबसे बना है, इसका मतलब होता है ऊनी सफेद कपड़ा पहनने वाले लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चिश्ती सिलसिला, इसमें क्या है? ईश्वर की प्राप्ति का प्रमुख साधन किसे माना जाता है? संगीत को। चिश्ती सिलसिले में ईश्वर की प्राप्ति का प्रमुख जो साधन माना जाता है संगीत को। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।